Dear students, I am Lakhbir Kaur and I welcome you all in English class. Today I am going to read our chapter number 1 of multi-skill course book, that is People Who Do Good for Others. It is about the great Nelson Mandela. ये Nelson Mandela के बारे में है ये chapter. So listen it carefully. Nelson Mandela was the first black president of South Africa. कहते हैं कि Nelson Mandela जो थे वो South Africa के जो पहले black president थे, श्वेत राष्ट्रपति थे. He is remembered today for his long struggle to bring justice to black South Africans. कहते हैं कि उन्हें आज भी याद किया जाता है, किस लिए? क्योंकि उन्होंने बहुत ही लंबा एक स्ट्रगल किया है, जो थे साउथ अफ्रीका के जो काले लोग थे उनके लिए बहुत ही एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी, क्योंकि काले और गोरों का बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था साउथ अफ्रीका में. तो उसके लिए उन्होंने एक जस्टिस के लिए, कालों के जस्टिस के लिए उन्होंने बहुत एक लंबी लड़ाई लड़ी है. इसलिए हु फेस्ड क्रुएलिटी एंड इनडिस्क्रिमिनेशन एट द हैंड्स ऑफ द वाइट, क्योंकि जो श्वेत लोग थे, जो सफ़ेद थे या गोरे लोग थे, वो जो है काले लोगों के साथ बहुत ही क्रूरता दिखाते थे और भेदभाव करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे. रीड ऑन टू फाइंड आउट मोर अबाउट हिम, कहता है कि ये चैप्टर पढ़िए और इसमें आपको और भी बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा नेल्सन मंडेला के बारे में. तो हीरो नेल्सन मंडेला एंड एंड टू इनजस्टिस, कहता है कि हीरो हैं नेल्सन मंडेला और उन्होंने कैसे अन्याय को जो है उसका अंत किया. फ्रेंड्स कॉमरेड्स एंड फेलो साउथ अफ्रीकन्स, अब जैसे नेल्सन मंडेला ये स्पीच दे रहे हैं तो उसके बिगनिंग ये वर्ड्स हैं. तो इन द बिगनिंग ही सेड, फ्रेंड्स दोस्तों मित्रों और हमारे मेरे जो फेलो जो साउथ अफ्रीकन्स थे उनको एड्रेस कर रहा है वो. आई ग्रीट यू ऑल इन द नेम ऑफ पीस डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम फॉर ऑल, कहता है कि मैं आप सबको मतलब ग्रीट करता हूँ कि शांति के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एंड फ्रीडम फॉर ऑल, और सभी के लिए आज़ादी के लिए. योर टायरलेस एंड हीरोइक सैक्रीफाइसेस हैव मेड इट पॉसिबल फॉर मी टू बी हेयर टुडे, कहता है कि आपके जो टायरलेस है, बिना थके हुए अथक जो प्रयास हैं, या तुम्हारे जो हीरोइक सैक्रीफाइसेस हैं, जो तुम्हारे बहादुरी बड़े भरे हुए बलिदान हैं, हैव मेड इट पॉसिबल फॉर मी टू बी हेयर टूडे, कहता है कि उन्होंने ही ये पॉसिबल बनाया कि मैं आज तुम्हारे सामने यहाँ पे खड़ा हूँ. आई देयर फॉर प्लेस द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ माई लाइफ इन योर हैंड्स, और वो कहता है नेल्सन मंडेला कहता है कि इसलिए मैं अपने जितने भी मेरी ज़िंदगी के जो बाकी साल जो बचे हुए हैं मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ. ये नेल्सन मंडेला की एक स्पीच है. दीज वर्ड्स वेलकम्ड हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ चीरिंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स हु गैदर्ड इन द स्ट्रीट्स ऑफ केप टाउन ऑन 11 February 1990, कहता है कि ये जो वर्ड्स थे नेल्सन मंडेला के, ये किनको एड्रेस कर रहा था? वो ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स को एड्रेस करता हुआ, जहाँ पे हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, हज़ारों और की संख्या में जो थे साउथ अफ्रीकन्स जो थे इकट्ठा हुए थे. कब? 11 February 1990 को. दे वर देयर टू सल्यूट देयर हीरो, क्योंकि वो भी नेल्सन मंडेला को देखने के लिए आए हुए थे, क्योंकि नेल्सन मंडेला जो थे उनके हीरो थे. मडीबा एज दे लविंगली कॉल्ड हिम, और वो जो साउथ अफ्रीकन्स थे जो ब्लैक थे, और वो उसको नेल्सन मंडेला को मदीबा बोलते थे प्यार से. आफ्टर ही इज रिलीज फ्रॉम प्रिजन वेयर ही हैड स्पेंड 27 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, कहता है कि जब वह जेल से छूट कर आए, कैद में थे ये नेल्सन मंडेला, और ये जेल में 27 साल काट करके आए थे. हिज रियल नेम वाज नेल्सन रोलिहाला मंडेला, उनका जो असली नाम था, पूरा नेम जो था उनका नेम था नेल्सन रोलिहाला मंडेला, एंड हिज फ्रीडम मार्क्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, और कहता है कि उनकी जो फ्रीडम थी जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए लड़ी, आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया, कहता है कि एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स थी साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में. तो वो द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ इनजस्टिस, क्योंकि यहाँ उन्होंने जो थी एंड कर दिया, किसका अंत कर दिया? इनजस्टिस का, अन्याय का, इनइक्वालिटी होता है असमानता का, एंड डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव का. ठीक है,
नेल्सन मंडेला वाज बोर्न ऑन 18 जुलाई 1918 इन उमतायू इन साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला का जन्म कहाँ हुआ था? 18 जुलाई 1918 को उमतायू साउथ अफ्रीका में उनका जन्म हुआ था। नाइदर ऑफ हिज पेरेंट्स एवर वेंट टू स्कूल, कहते हैं उसके जो पेरेंट्स थे वो कभी भी स्कूल नहीं गए थे, बट दे इंश्योर्ड दैट मंडेला डिड, और उन्होंने लेकिन ये मतलब इंश्योर किया कि उनका बेटा जो मंडेला है वो जरूर स्कूल जाए। ही लाइक हिज फादर हैड ए डीप सेंस ऑफ जस्टिस एंड हिज क्वालिटी प्लेड ए की रोल इन हिज लेटर करियर एज ए पोलिटिकल रिवोल्यूशनरी। और कहता है कि वो अपने फादर की तरह था, अपने पिता की तरह समान था वो, जैसे उसके फादर जो थे वो बड़े ही न्यायपूर्ण थे, उनकी जो उनकी एक सेंस थी बड़ी गहरी, जो डीप ऑफ सेंस ऑफ जस्टिस थी, एंड दिस क्वालिटी प्लेड ए की रोल। और कहता है वही क्वालिटी जो उनके फादर में थी वही क्वालिटी नेल्सन मंडेला में भी थी, कि बाद में वो एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी बनकर के सामने आए, ऐसे रेवोल्यूशनरी जिन्होंने साउथ अफ्रीका के इतिहास को बदल करके रख दिया। ही वाज ओनली 9 व्हेन हिज फादर डाइड, और वह केवल 9 साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, कहता है उसके बाद, इट वाज हिज मदर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलबींग एंड एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। कहता है इसके बाद उनकी माता जी जो थी वही इनकी जो थी रिस्पॉन्सिबल थी इनके वेलबींग के लिए, इनकी परवरिश के लिए और इनकी एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए इनकी माँ का पूरा योगदान जो है वो रहा। एट स्कूल हिज टीचर मिस मैडिंगडेन प्रोनाउंस मैमडिंगा ने गेव हिम द इंग्लिश नेम नेल्सन। कहता है कि जब वो स्कूल में थे तो उनकी टीचर थी एक मिस मैडिंगडेन, और उन्होंने इनको एक इंग्लिश नेम दे दिया, क्या नाम दे दिया उनका, क्या नाम रख दिया, नेल्सन। ही टुक ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज, बाज इक्वली एक्टिव इन स्पोर्ट्स। कहते हैं कि नेल्सन मंडेला का जो था वो बहुत ही स्टडीज़ में बहुत रुचि के साथ पढ़ा करते थे, उनकी बहुत रुचि थी स्टडीज़ में, बट वाज इक्वली एक्टिव इन स्पोर्ट्स, लेकिन वो स्पोर्ट्स में भी बहुत एक्टिव थे। हिज फेवरेट्स बींग बॉक्सिंग एंड एथलेटिक्स, उनके फेवरेट क्या थे, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स। व्हेन मंडेला वेंट टू यूनिवर्सिटी ही वाज द ओनली लोकल अफ्रीकन स्टूडेंट देयर। कहते हैं जब मंडेला जो है अपनी हायर स्टडीज़ के लिए उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया, ही वाज द ओनली लोकल अफ्रीकन स्टूडेंट हेयर देयर। और कहते हैं वो एक अकेले जो थे लोकल अफ्रीकन स्टूडेंट थे वहाँ पर यूनिवर्सिटी में। एंड ही फेस्ड ए लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ हिज स्किन कलर, और उनको अपने काले रंग के कारण, क्योंकि उनका रंग काला था, इस वजह से उनके साथ वहाँ से उनको बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि साउथ अफ्रीकन्स में मैंने पहले भी बताया है कि वहाँ पे गोरे काले का जो भेदभाव किया जाता था। द ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स दो ग्रेटर इन नंबर हैड ऑलमोस्ट नो राइट्स इन द कंट्री। कहते जो ब्लैक लोग थे वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीकन्स जो ब्लैक थे, जो काले लोग थे, वो वहाँ संख्या में ज़्यादा थे, हैड ऑलमोस्ट नो राइट्स इन द कंट्री, लेकिन उनके अधिकार ना के बराबर थे, उन्हें कोई भी अधिकार नहीं मिलते थे। देवर ओप्रेस्ड, उन्हें दबाया जाता था, इंसल्टेड, उनकी इंसल्ट की जाती थी, बेइज्जती की जाती थी, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता था, एंड ऑफन ट्रीटेड इनह्यूमनली, और वाक्य में ही उन्हें जो है इनह्यूमनली ट्रीट किया जाता था, मतलब पशुओं वाला व्यवहार उनके साथ किया जाता था, किनके द्वारा, बाय द वाइट पीपल, ठीक है, जो वाइट गोरे लोग थे उनके द्वारा भेदभाव किया जाता था। द नेशनल पार्टी केम इन टू पावर इन 1948, कहता है जो नेशनल पार्टी थी जो 1948 में पावर में आ गई, एंड द सिचुएशन बिकेम मच वर्स, कहता है और उसके बाद ये स्थिति जो थी और भी बदतर हो गई। द पार्टी सपोर्टेड द सेपरेशन ऑफ ब्लैक एंड वाइट साउथ अफ्रीकन्स, और जो ये जो पार्टी बनी थी 1948 में, उन्होंने क्या सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि ब्लैक और वाइट साउथ अफ्रीकन्स को अलग अलग कर दो। द सैडेस्ट थिंग वॉज दैट दोज ब्लैक पीपल हु ऑलरेडी हैड ए पावरफुल पोजिशन इन सोसाइटी टुक द साइड ऑफ द वाइट्स, कहता है और सबसे दुखद बात ये थी कि जो ब्लैक पीपल थे और जिनकी कोई हैड ऑलरेडी जिन जो ऐसे मतलब ऊंचे लेवल पे थे ब्लैक पीपल, कुछ जिनकी पावरफुल पोजीशन थी उस समय पे, वो भी जो है सफ़ेद लोगों के साथ उनके समाज में शामिल हो गए, उनका उनकी साइड लेने लगे। एंड दे स्पोक इन फेवर ऑफ द सेपरेशन ऑफ द कॉमन ब्लैक पीपल, और कहता है वो भी जो काले लोग थे जो पावरफुल पोजीशन पे थे, वो भी क्या करने लगे, वो भी ये कहने लगे कि हाँ सेपरेशन होना चाहिए कॉमन ब्लैक पीपल का, ठीक है, वो भी उनके हक में बोल उनके साथ ही मिल गए गोरों के साथ। दिस वॉज द बर्थ ऑफ एपार्थाइड, ए वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द
अफ्रीकन्स लैंग्वेज एंड मीन्स बीइंग सेपरेट और अपार्ट। और कहता है कि तब एक जो है इस वर्ड का जन्म हुआ, किस वर्ड का, अपार्थीड। अपार्थीड का मतलब होता है कि किसी चीज़ से किसी चीज़ को अलग कर देना। 4000 ऑफ ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स देयर ओन मदरलैंड बिकेम ए लिविंग हेल। और कहता है कि बहुत सारे जो साउथ अफ्रीकन्स लोग थे जिनका जन्म वहीं पर हुआ था जहाँ पर वो पले बड़े थे और हज़ारों की संख्या में वो थे, लेकिन उनकी जो अपनी मातृभूमि थी वो उनके लिए एक नरक बन गई थी, क्योंकि ये गोरे कालों का भेद जो था बहुत ही वर्स्ट था वहाँ पे। दे वर ट्रीटिंग लाइक एनिमल्स देयर। मंडेला डीप सेंस ऑफ जस्टिस एंड हिज बिलीव इन द राइट्स ऑफ द कॉमन पीपल मेड हिम एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट अगेंस्ट अपार्थिड। कहता है कि मंडेला जो था उसका एक गहरा सेंस ऑफ था, मतलब क्या जस्टिस के लिए, उनका न्याय के प्रति जो उनकी गहरी जो विश्वास था, एंड हिज बिलीव इन द राइट्स ऑफ द कॉमन पीपल, और उनका ये बिलीव था, वो इसमें विश्वास करते थे कि कॉमन लोग जो साधारण लोग हैं उनको भी हर एक अधिकार का वो भी हर एक चीज़ पे अपना अधिकार रखते हैं। एंड पीपल मेड हिम एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोटेस्ट अगेंस्ट अपार्थिड। और लोगों ने उनको, कॉमन पीपल ने भी उनको पूरा पार्टी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया कि वो भी राजनीतिक जहाँ पे भी प्रोटेस्ट होती हैं इस अलगाव के लिए कि काले गोरों को अलग किया जाए, वहाँ पे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ही वाज अनेबल टू फिनिश स्टडीज़ एट द यूनिवर्सिटी बिकॉज ही वाज अगेंस्ट मैनी ऑफ द यूनिवर्सिटी पॉलिसीज़। कहता है कि वो जो नेल्सन मंडेला थे वहाँ पे अपनी स्टडीज़ भी पूरी नहीं कर पाए यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़ थी, जो नीतियाँ थी, वो अगेंस्ट थी। ही वॉज आस्क्ड टू लीव, उन्हें कहा गया कि वो यूनिवर्सिटी छोड़ दें। फ्रॉम एज अर्ली एज 1952 ही वॉज एन इम्पोर्टेंट मेम्बर ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ए पार्टी दैट फोट फॉर द राइट्स ऑफ द कॉमन पीपल। और कहता है 1952 में वो एक इम्पोर्टेंट मेम्बर बन गए, किसके, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के, और वो पार्टी ऐसी थी दैट फोट फॉर द राइट्स ऑफ द कॉमन पीपल, जो साधारण लोगों के हकों के लिए लड़ती थी। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पोलिटिकल कैंपेन्स एंड रैलीज एंड मेड स्पीचेज अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड इनडिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द पीपल। वो कहता है कि उन्होंने अपना जो सारा जो जीवन था वो किस में डिवोट कर दिया, पॉलिटिकल कैंपेन्स करने में, रैलीज करने में, राजनीतिक ऐसी कैंपेन्स, ऐसी रैलीज वो निकालते थे, ऐसी स्पीचेस देते थे वो अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड इनडिस्क्रिमिनेशन, अन्याय के प्रति, भेदभाव के प्रति जो लोग उस समय वहाँ पे फेस कर रहे थे इन चीज़ों को, अन्याय को, इनजस्टिस को, भेदभाव को, है ना। He had taken upon himself a very difficult and dangerous responsibility. उन्होंने अपने ऊपर एक बहुत ही कठिन और बहुत ही खतरनाक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, बट ही रिमेन्ड फियरलेस, और लेकिन वो इतने मतलब निडर रहे, एंड डिवोटेड हिज कोज टिल द वेरी एंड। और वो कहता है कि उन्होंने अपना सारा स्वसर जो है न्यौछावर कर दिया, एंड तक वो लड़ते रहे इनजस्टिस के प्रति। आफ्टर बीइंग फोर्स टू गिव अप हिज ही डिग्री, मंडेला मूव्ड टू जोहान्सबर्ग। उनको फोर्स किया गया कि वो अपनी डिग्री जो है वो दे दें, वापस करें। बीइंग फोर्स टू गिव अप हिज डिग्री, जो उनको डिग्री मिली थी जोहान्सबर्ग, मंडेला मूव टू जोहान्सबर्ग, लेकिन मंडेला जो है जोहान्सबर्ग मूव हो गए। इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिमसेल्फ ही स्टार्टेड वर्किंग एज ए सिक्योरिटी गार्ड एट ए माइन। कहता है उन्होंने अपने आप को सपोर्ट करने के लिए एज ए सिक्योरिटी गार्ड भी काम किया एक खान में, माइन होता है कि कोई खान होती है कोयले की लगा लो। सून वन ऑफ हिज मोर सक्सेसफुल फ्रेंड्स हेल्प्ड मंडेला गेट ए जॉब एट ए न्यू फर्म एज एन अकाउंटेंट। कहता है लेकिन कुछ समय बाद उनके एक बहुत सक्सेसफुल जो दोस्त थे उन्होंने मंडेला की हेल्प करी और उनको एक अकाउंटेंट की जॉब लॉ फर्म में जो है अकाउंटेंट की जॉब दिलाने में। मंडेला हैड ऑलवेज अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, एंड सो वाइल वर्किंग एट द लॉ फर्म ही वंस अगेन इनरोल्ड फॉर ए बैचलर्स डिग्री एंड दिस टाइम सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और कहता है कि मंडेला जो थे एजुकेशन का महत्व उन्हें बहुत पता था, इम्पोर्टेंस बहुत पता थी उन्हें एजुकेशन की, कि शिक्षा जो है जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। एंड सो वाइल वर्किंग एट द लॉ फर्म, जब वो लॉ फर्म में अकाउंटेंट की जॉब कर रहे थे तो उन्होंने एक बार फिर से बैचलर डिग्री के लिए अपने आप को इनरोल किया, दाखिला लिया, एंड दिस टाइम सक्सेसफुली कम्प्लीटेड। और अब उन्होंने अपनी ये जो डिग्री थी वो सक्सेसफुली जो है कम्प्लीट कर ली थी।